एक डॉग हमने दौलतपुर से रेस्क्यू किया है, जिसके लिए हमें कॉल वायर ट्रैप कट करने के लिए आई थी, लेकिन वहाँ पर जब हम पहुँचे और इसकी सिचुएशन देखी तो बस समझ में आया कि इसको एम्पुटेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो सामने वाला पैर है उसका पंजा पूरी तरीके से निकल चुका है और वहाँ सिर्फ हड्डियाँ रह गई हैं। अभी तो हम इसका सिर्फ पेन किलर स्टार्ट करेंगे, एक दो दिन में जैसे ही डॉग थोड़ी सी स्टेबल कंडीशन में होता है इसकी एम्पुटेशन सर्जरी भी हो जाएगी और उसके बाद इसके एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दोनों कंटिन्यू रहेंगे। हमने एक बैल शाहपुर से भी रेस्क्यू किया है, जिसको कान के ऊपर एक घाव था और उसके गले के पास भी एक घाव था। देखने में तो वो डॉग बाइट की वजह से हुआ घाव लग रहा है, लेकिन वहाँ पर लोगों ने बताया कि इसे कुछ दिन पहले ही किसी ने अबैंडन किया है। तो हमने डिसाइड किया कि हम उसे यहाँ फार्म में शिफ्ट कर लेंगे ताकि घाव मैगेट्स की वजह से और ना बढ़ जाए और उसकी ट्रीटमेंट लगातार यहाँ पर पॉसिबल हो। मैंने आपको कहा था ना कि इतनी गर्मी है उसको पानी डाल देना, जो सवेरा है जो हमारा छोटा भैंसा है उसको वो मत डालना, क्योंकि किसी ने कहा है और मैंने कन्फर्म किया कि सुबह और शाम को ठीक है, दोपहर में इतनी गर्मी में नहीं डालना, मेरे को बस यही मैं बताने आया था सर। लेकिन अभी तो मैंने ये सब कपड़ा पानी कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि सुबह जब हम लोग आए ना उस टाइम पे उसका टेम्परेचर सबसे पहले लिया, बहुत कम है टेम्परेचर है अभी वो, लेकिन हाँ है, लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है उसकी, काफ़ी स्ट्रेस में है, इस वजह से इसने खाना तो खुद से वैसे भी नहीं खाया था। हम लोग जो फीड कर रहे थे उसके अलावा हमने फ्लूइड थेरेपी शुरू की है, माइफेक्स दिया है ताकि उस माइफेक्स सर कैल्शियम का सोर्स होता है, ये मोस्टली बैठा रहता है तो कैल्शियम बॉडी में जाके तुरंत रिएक्ट करे, अदरवाइज तो हम ऑस्टोवेट भी दे सकते हैं लेकिन हमें जल्दी असर चाहिए इसलिए हम माइफेक्स देते हैं, तो वो भी दिया है, लेकिन अभी कोई सुधार खास है नहीं, बहुत स्ट्रेस में है एक्चुअली। वैसे तो भैंसे जो है ना हमें रेस्क्यू करने के लिए मिलते नहीं, ये भी इसलिए मिल गया क्योंकि यहाँ पे जैसे एक गुज्जर कम्युनिटी है तो वो क्या करते हैं कि जब गर्मी आए तो वो ऊपर पहाड़ों में चले जाते हैं, तो अगर कोई कमज़ोर है या किसी का पैर टूटा हुआ है वो उसको पीछे या तो छोड़ देते हैं या वो छूट जाते हैं। जो हमारा सबसे पहला भैंसा आया था टैंक, वो भी ऐसे ही छूट गया था, उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर था, वो बचा नहीं था। देखते हैं सवेरा क्या होता है। इसका टेम्परेचर हाई है ना, हम उसको अंदर भी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है, तो इसको अंदर एसी चला के सर्जरी रूम में नहीं कर सकते। कर सकते हैं, इतना जुगाड़ करेंगे कुछ करेंगे। पहले तो WBC डाउन था, डॉक्टर्स कर रहे थे हम लोग इसका एंटीबायोटिक शुरू था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही फीवर हो गया मॉर्निंग में, तो इसकी फ्लूइड थेरेपी भी की थी आज सुबह और अभी बॉडी टेम्परेचर हाई है। तो एक चीज़ मैं फीवर का आपको बताऊं, बड़े सारे लोगों को लगता है फीवर बीमारी है, जबकि फीवर एक सिम्टम है, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन फाइट कर रही है तो टेम्परेचर बढ़ गया है। तो सबसे पहले तो फीवर के केस में ये होना चाहिए कि भाई बॉडी का टेम्परेचर डाउन लाया जाए। जैसे राधा जो है उसके पैड्स के पास इस समय कोल्ड पैक लगा रही है, आपके पास कोल्ड पैक नहीं है तो आप एक कपड़ा पानी भिगो के वो भी लगा सकते हैं, स्पिरिट लगा सकते हैं। एक बार ये टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए फिर साथ ही में डॉक्टर बता सकते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो अब इसका WBC लो है तो इन्फेक्शन के केस में तो WBC बढ़ जाता है ना, WBC हाई है। और इसका डाउट तो अभी यही कर रहे हैं कि टिक फीवर हो सकता है ना। टिक फीवर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक जो टिक्स होती है ना उनके कुछ एक पर्टिकुलर करेक्टर्स होते हैं, तो उसमें एक साइड से नेजल ब्लीडिंग भी आती है। मैंने अभी एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग टिक के बारे में जाना जिसका नाम है टेक्सस लोन स्टार टिक, या सिर्फ हो सकता है लोन स्टार टिक। ये टिक जब किसी इंसान को काट जाता है उसके बाद वो सारा जीवन रेड मीट नहीं खा सकते, अगर वो खाते हैं तो उन्हें उल्टी हो जाती है। हम तो यही चाहते हैं कि भैया ये लोन स्टार टिक ऐसा फैल जाए और सबको काटे तो बेटी जी जैसे जानवरों की जान बचे। एक गाय भी हमने रेस्क्यू की है जिसको 39 मील से कमल जी खुद हमारे पास लेकर आए, इसको वहाँ पर कुछ दिनों से वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे लेकिन गाय रोज़ाना नहीं मिलती थी और इस वजह से उसकी ट्रीटमेंट वहाँ पर करना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा था, और ये जगह हमारे लोकेशन से 8 किलोमीटर से आगे पड़ती है, इस वजह से हमें जाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि घाव कहीं बढ़ ना जाए और इसकी ट्रीटमेंट जल्दी हो सकती है, इस वजह से हमने इसको यहाँ शिफ्ट कर लिया है और जल्दी इसका घाव भी बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे पूछने आया था, वो भूतनाथ रिलीज हो रहा है? हाँ जी। ओ, कॉलर पहन लिया? जब सारे प्रोसीजर कायदे से फॉलो होते हैं ना मेरा तो भैया दिन बन जाता है। तो मुझे ये बताओ कि इसको तो मैं 2-3 दिन से सुन रहा था रिलीज होना है, इसका डिले क्यों हो गया सर? क्योंकि हमारे केसेस अभी थोड़े से ज्यादा बढ़ गए थे और इसको जहाँ रिलीज करने जा रहे हैं वो जो लोकेशन है वो अलग साइड की है, तो वो केसेस अच्छा। ज्यादा जरूरी थे इस वजह से हमने इसको। पर जैसे ऐसे केस में भूतनाथ रेडी फॉर रिलीज था, कोई और केस लेना पड़ता हमें तब आप फटाफट फिर करा देते ना? करवा देते। एक रिलीज पता है पहले अपडेट में मिस हो गई तो
मतलब तोप को मिस करना तो वैसे मुश्किल है, तोप इतनी बड़ी है, तो ठीक हो गई वो ठीक हो गई थी, नगरी से लाए थे उसको, तो जो कॉलर्स थे सब कुछ हुआ था, तो जो कॉलर्स थे वो खुद उसको यहाँ पे लेने आए थे ना। जब ज्योति कॉलर्स कहती है मतलब जिन लोगों ने फोन कॉल किया, मैं जब कॉलर कहता हूँ तो ये जो हमने नेक में पट्टा पहना रखा है, और भी हमारे एक दो रिलीज हुए ना, ये शोर ये एसटीपी का आ रहा है, ठीक है। सर जी रिलीज हुआ लास्ट वीक अभी। अच्छा, उस सर जी का तो पूरा हील हो गया था ना, कोई उसका एम्पुटेशन नहीं करना पड़ा। वो पैर पूरा तो नहीं रखता ऑल टाइम, लेकिन वो पैर रख रहा था, अदरवाइज अगर वो पंजा उसका कटा होता मान लो तब हम एम्पुटेशन करते, क्योंकि अगर वो पंजे वाली जो सरफेस होती है उससे घाव नहीं बनेगा, पंजे वाली सरफेस अगर नीचे लगेगी, लेकिन अगर पंजा कट जाता तो वहाँ पे जो सरफेस होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती और घाव बनता जाता, तो हमने फिर एम्पुटेशन वगैरह कुछ नहीं की। वो पैर खाने के टाइम में जब थोड़ा सा रिलैक्स रहता तब बस पैर नीचे लगाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब वो मेजरली 3 पे चलता है, लेकिन इस पे वजन खाना वाना खाता है तभी बस लगाता है। डॉग्स की वैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ 3 पैरों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होती, लेकिन ये जो बड़े पशु हैं जैसे गाय है, इनकी बहुत ज़्यादा होती है। लोग कहते हैं अरे प्रोस्थेटिक लगा लो। एक प्रोस्थेटिक बनाना बड़ी पेचीदा प्रोसेस है, नाप कोई इन पर्सन लेगा, प्रोस्थेटिक बनेगा, फिर देखेंगे फिट हो रहा है नहीं, और फिर प्रोस्थेटिक लगाने के बाद रोज़ कोई चाहिए जो उसको नकली टांग को निकाले, एक बार देखे वहाँ कोई घाव नहीं बना, उसको साफ करे फिर लगाए। तो प्रोस्थेटिक लगाने का मतलब कि आपको गाय या बैल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। पर भारी पशु में भी लग जाता है प्रोस्थेटिक या आपको? मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में। हम दोनों का ही अनुभव नहीं है इसमें। और कोई हमारा रिलीज हुआ है इस हफ्ते? ओके, एक डोलू भी था क्या कोई लास्ट वीक? हाँ वो एंड में रिलीज हुआ हमारा, संडे को आई गेस। एक्चुअली है क्या, इन लोगों का वीक चलता है संडे टू संडे, और हमारा जो मीडिया का वीक हो जाता है हम थर्सडे ख़त्म कर देते हैं कि भैया हमें फ्राइडे से अब अपडेट करना है, तो इस चक्कर में एक दो एनिमल मिस हो जाते हैं। तो उसका टेल एम्पुटेशन का केस था ना, अच्छे से हीलिंग हो गई थी, उसका कैस्ट्रेशन भी हो गया था, फिर उसको टाइम पे रिलीज कर, लिवर किडनी सब कुछ ठीक था। जो डॉग हमने जौंटा नूरपुर के पास से रेस्क्यू की थी, जिसको पैर में एक घाव था, लेकिन वहाँ पर उसका कोई केयर टेकर नहीं था, इस वजह से हमने यहाँ पर उसको शिफ्ट किया कि घाव बढ़ ना जाए। लेकिन अभी डॉग की हमने स्पेस सर्जरी भी कर दी है, घाव भी काफ़ी अच्छे से भर रहा है, अगले हफ्ते तक वो शायद ठीक भी हो जाएगी पूरी तरीके से, और फिर हम उसको रिलीज भी करते हैं। इसका बताओ, इसका हमने बात करी थी कि इसको बाहर निकालेंगे, तो इसको बाहर नहीं, यहाँ रखा, ये बैठ के गाड़ी रोक रही थी, चक्का जाम कर रही थी, फिर इसको फूड फॉरेस्ट में कर रहा है जहाँ पे सॉफ्ट है, पर वहाँ जाके तो ये गिर जाती है, उठती नहीं, तो क्या करना है इसका? ज़्यादा ध्यान रखना है, यही रखियो। ये काफ़ी ओल्ड है और ये अपना ध्यान रख नहीं सकती, इसको तो कोई ऐसा चाहिए जो इसको पेट की तरह घर में रख ले। तो अगर आपका घर है बहुत बड़ा और आप डॉग्स रख रख के बोर हो गए हैं, तो ये एक एग्जॉटिक पेट हमारा डोडो द डंकी। लोगों को हमेशा कुछ डिफरेंट चाहिए रहता है ना, तो ही वो ब्रीड डॉग लेते हैं। तो लव डिफरेंट सर, हमारे ब्रीड डॉग्स का भी तो लेकिन हम कुछ हो नहीं रहे मास्टर जी, और झोला के लिए हमें कोई भी अच्छी क्या, अभी तो कॉल्स भी नहीं आ रही, और जो भी आती है वो बाहर से ही आती है, आउट ऑफ हिमाचल ही आ रही है। झोला और मास्टर जी दोनों अब कैनल में नहीं रह पा रहे हैं वो, क्योंकि अब दिन भर भी गर्मी भी यहाँ बढ़ रही है, वो डॉग्स नहीं है कैनल में रहने लायक ना। मास्टर जी और झोला, इनको अडॉप्ट करने के लिए प्लीज़ कॉल करिए 9882161677। स्पेशली अगर आप दिल्ली में हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो चंडीगढ़ तक भी हम इनको आसानी से अडॉप्ट करा सकते हैं। एक और केस आया ना आपके पास, जो शायद मेरे ख्याल से ये नड्डी के पास से आया, वहाँ पे किसी रेस्क्यू पे था वो, जो चलने में दिक्कत हो रही है। ये पपी ना चैतड़ू का है, और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स रह रहे थे, एडमिटेड था ऑलरेडी, क्योंकि इसको पीछे के पैर से चलने में दिक्कत हो रही है, पैर कमज़ोर है, चलता है लेकिन गिर जाता है 2-4 कदम के बाद ना, तो वहाँ पे एडमिटेड था 1 वीक तक रहा। उन लोगों ने फिर ये बोलना शुरू कर दिया कि इसका ट्रीटमेंट आप लोग वहीं से करो, हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन है, हम इसको रोड पे छोड़ देंगे वरना, इसलिए वो हमें कॉल कर रहे थे, फिर हमने उनको बताया हमारे पास जगह है नहीं, लेकिन फिर वो नहीं मान रहे थे, एंड उनका भी सिचुएशन ऐसे था कि वो ऐसे रोड पे नहीं रखवाना चाहते थे और घर में खुद रख नहीं सकते थे क्योंकि लैंडलॉर्ड्स हैं वहाँ पे, तो फिर इस वजह से चलो जितना उनको समझ में आया उन्होंने किया। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जितना लोगों को समझ में आए उतना तो करे, भारत की इतनी बड़ी आबादी है, हर कोई कुछ ना कुछ करे तो बढ़िया ही होगा। और हमारा कोई केस आया इनकमिंग? एक बैल और एक गाय आया। गाय तो वो आई जिससे मैं कल मिला था, जिसको उन ताले मिल से, हाँ। क्या हुआ?
उसका घाव ऐसा है ना कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वहाँ रहती और नहीं मिलती, ट्रीटमेंट नहीं होता, तो वो मैगेट वुंड बन जाता। कि मेरे को गाय का, मुझे नहीं लगता कि ट्रीट ऑन स्ट्रीट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता किसी भी जानवर का, अनलेस कोई वहाँ पे। मेन प्रॉब्लम यही था कि वहाँ पर कोई रेगुलर नजर रखने के लिए है नहीं, और ये गाय वहाँ से इधर उधर हो जाती थी। तो 3 दिन पहले कॉल आई थी, जैसे ही ये दिखी उनको तो वो यहाँ पर ले आए। अब जो बछड़ा है दूसरा पहाड़ा से जिसको लेके आए हैं, उसको वहाँ पर कोई अबैंडन करके गया था 1-2 दिन पहले, और उसके कान पे और नेक के पास में ना वुंड, अबैंडन केस है। वो भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, वीक है बहुत ज़्यादा, और वुंड तो ठीक हो रहा है। अबैंडन केसेस की तो संख्या मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे गाँव में ही एक माँ और उसका बछड़ा मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से घूम रहा है। हमने उनको जो बंगलोज वाली साइड पर अंदर किया था, जहाँ पर जामुन को रखने की बात कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर रेस्टलेस हो रही थी। तो कल ही मैंने डिसाइड किया, हमारा एक लैंड था जिसपे हमने इको विलेज बनाना था, तो लोगों से मैं परेशान हूँ और गाय की संख्या इतनी बढ़ रही है, तो हमने यही डिसाइड किया कि इको विलेज की जगह हम उसी लैंड को काउ सैंक्चुरी बना देंगे। आप जामुन का तो बता दो कि मैंने उसको शिफ्ट कर लिया है, आप ही बता नहीं दो, तो लोग आप ही बता दो, इनके कमेंट बताओ। नहीं, हम लोगों ने एडजस्टमेंट करके जामुन को अभी अंदर ही कैनल में ही शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि ये 1 दिन के लिए भी बाहर निकलता है तो कोई नया डॉग बाइट लेके आता है, और वो रिस्क मैं नहीं चाह रही थी, इसलिए हमने अभी उसको एस कैनल में शिफ्ट कर लिया है। ये जो बछड़ा था यही वो है जिसका सींग के पास चोट लगी हुई? नहीं नहीं सर, वो जो केस था वो हम लोग वहाँ पर ट्रीट करने गए थे, तो वहाँ पे तो लोग थे और हमारे पास यहाँ जगह नहीं है। एक्चुअली वो बछड़ा नहीं, गाय है, उसका एक्सीडेंट की वजह से हॉर्न टूट गया था। फर्स्ट डे ट्रीटमेंट हमने दे दी थी, सेकेंड डे हमने कॉल किया तो वो बछड़ा मिला नहीं है किसी को, तो हम वेट कर रहे हैं कि जब भी दिखेगा हम तो फिर उसके ले जाएंगे। हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ देखते ज़रूर है कि वो कहीं रास्ते में हमें ही मिल जाए। तो आयुषी का स्प्लिंट हमने ओपन किया, जो कि अभी 1.5 महीने से स्प्लिंटिंग कर रखी थी उसकी, उसका एम्पूटेशन रिक्वायर्ड है क्योंकि 0% हीलिंग है, एंड हम और अगर दिन रखेंगे तो पैर गर्मी की वजह से भी सड़ने का हो सकता है। हमारे पास अभी टोटल 3 एम्पूटेशन केसेस है ना, जो टांडा से डॉग हमने रेस्क्यू किया था उसका भी रिकवरी नहीं हुई। हमने डिसाइड किया था कि हम उसको 15 डेज नर्व डैमेज के लिए, मुझे ये केस रिमाइंड कराओ, मुझे नहीं याद। इसका एक्सीडेंट हुआ था सर, उसमें उसके पीछे वाले पैर में वुंड था पंजे पे, और आगे वाले पैर में नर्व डैमेज था, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला था कि इसके एम्पूटेशन रिक्वायर्ड है। फिर भी हम लोग चांस ले रहे थे कि थोड़ा टाइम नर्व टॉनिक्स पे रखते हैं इसको, लेकिन इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं है, तो अभी एम्पूटेशन ही उसके लिए बेहतर ऑप्शन है। आपके यहाँ के अंदर वाले एनिमल्स को भी इस समय थोड़ी बीमारियाँ बढ़ रही है ना, क्योंकि जैसे अभी तो पार्टिकल का तो WBC बढ़ा हुआ है, एक ऑटो को भी दिक्कत हो रही थी। ऑटो को सर डर्मेटाइटिस अभी इशू चल रहा है, उसका स्किन इन्फेक्शन बढ़ गया अचानक से, क्यों नहीं पता। नो आइडिया सर, किसी और को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑटो अडॉप्टेबल में है ना? नहीं, ऑटो आइसोलेटेड थी ना सर, उसको ICH का इशू था, तो वही इम्यूनिटी डिप्रेस होने की वजह से उसको शुरू हो गया है। पर है तो हमारी अडॉप्टेबल ही ना। हाँ सर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि शेल्टर्स क्लिनिक्स ये कोई जगह नहीं है एनिमल्स रखने की। इवन जो हमारा मेरे ख्याल से सुंदर की आई ड्रॉप्स दोबारा शुरू हुई हैं, अब US से हमें डोनेट हुई थी, लेकिन उसको अब फिर डायरिया हो गया, किंग को डायरिया हो गया है, जबकि आप तो उनको वो हाजमोला दे रहे थे, हाजमोला रेगुलर नहीं, प्रोबायोटिक्स फॉर काउज। अभी वो ओल्ड एज की वजह से इन दोनों को प्रॉब्लम है, क्योंकि पीछे किसी भी गाय को प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और जो आप लोग मंथली डीवर्मिंग करते हो उसकी वजह से तो नहीं है, जैसे डॉग्स में भी तो, ये मैं आपको बताऊं, जैसे लोग डीवर्मिंग करते हैं प्लीज डोजेज वेट से पूछ के करिए, नहीं तो डीवर्मिंग कैन बी लीथल, इससे जानवर मर तक सकता है। एक बार ही हुआ था किसी ने 0.5 की जगह 5 ml दे दिया एंड वो एनिमल की डेथ हो गई थी, ये कुछ साल पहले की बात है। हाँ जी, एल्बेंडाजोल दिया था किसी ने। खैर, 2 बिल्लियाँ आपके पास और आई हैं? हाँ सर, अराउंड 2 मंथ्स की बिल्लियाँ हैं। वहाँ पे उनकी माँ थी, लेकिन ये टोटल 4 से 5 बच्चे थे। कोई और बिल्ली जो कि नज़दीकी एरिया में रहती होगी, उसने परसों की रात में 2 बिल्लियों को मार दिया। तो हाँ, ये हम अडॉप्शन के लिए, हमें कॉल आई थी कि आप अडॉप्ट करवा दीजिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि उनको ठीक है, हमारे पास अडॉप्टर्स हैं इंटरेस्टेड, तो हम उनको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो आपके अडॉप्टर्स हैं इंटरेस्टेड, तो 2 बिल्लियाँ आपने अपने बंगलों पर रखी हुई हैं? सर वो बहुत छोटी हैं, और उनके लिए आ रहे हैं, सैटरडे को आ रहे हैं उनके लिए। ज्योति और बिलिया ना, एक वो कॉम्बिनेशन है, एक तो ज्योति ने पग रखा हुआ है, इस पग के चक्कर में मैं बड़ी मुसीबत में आ गया। मैंने गुस्से में बोल दिया, भाई जो लोग पग खरीद के लाते हैं वो डॉग लवर्स अपने आप को ना कहें, मुझे बहुत गाली पड़ी। भाई मेरा कहने का मतलब ये था, जो लोग जानते समझते कि पग जैसी ब्रीड को हमेशा रेस्पिटोरी प्रॉब्लम होगी, जब उसको खरीदते हैं तो ब्रीडर्स को इनकरेज कर रहे हैं, सॉरी मैं गुस्से में गलत बोल गया। तो इन्होंने मुझे कहा था कि डुंकी का पूछ लेना, मेरे को तो डुंकी केस ही नहीं पता। डुंकी? डुंकी, उसने कहा कि डुंकी को शिफ्ट किया गया हमारे पास।
धुनकी डेलू मेरे को नहीं पता ये केस। मैं तो क्योंकि जो मुझे मुंह जबानी बताते हैं मैं वो पूछता हूँ, वो लॉग्स में देखता है, उसने देखा होगा कोई डुनकी केस है। मैं बता झूठ नहीं बोल रहा, हैंग ऑन भाई, मेरा नाम नहीं आना चाहिए झूठ पे। डुनकी कौन है सर, मेरे को इतना पता है कि मैंने डुनकी शिफ्टेड आउट इंजरीज इन एनिमल एरिया टू मेनी एनिमल्स इन रिकवर डंकी डोडो डुनकी। तो हम लोग 30 तारीख को या 1 तारीख को हम स्पीति के लिए कूच कर जाएंगे, वहाँ पे हम जब तक 150 सर्जरीज नहीं करेंगे हमारी टीम वापस नहीं आएगी, विच मीन्स कि डॉक्टर गुलशन तो महीने के लिए वहाँ पे गए, फिर साहिल भी जा रहा है, साहिल आएगा तो गौरव जाएगा, ज्योति ने पीछे डॉक्टर हिमांशु के साथ मैनेज करना है। अब ये देखिए कैसे, क्योंकि डॉक्टर हिमांशु को इसने एक और प्रोजेक्ट में व्यस्त कर रखा है जो इनके बारे में ज्योति ही बताएंगी। सर ये नीफा बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लास्ट 25 ईयर से वेलफेयर इश्यूज पे वर्क कर रही हैं अवेयरनेस के लिए समाज के अलग अलग तरह के वेलफेयर। अच्छा, तो अभी इनका की सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री है, तो उसके लिए डॉक्टर हिमांशु यहाँ के जो नियरेस्ट ग्राम पंचायत है वहाँ पे छोटे छोटे एरियाज में फिर जाके अवेयरनेस के लिए हेल्प करेंगे। वैसे देखा जाए तो एनिमल हस्बेंड्री तो मतलब हमारे से बड़ा वो हो गया, क्योंकि भाई हम तो कहते हैं कि लोग ना रखें जानवर, जानवरों पे क्रुएल्टी होती है, पर जब तक लोग जानवरों से मिलने वाली चीज़ें खाएंगे लोग तो जानवर पालेंगे ही। पर नीफा का जो एफर्ट्स है, ज्योति ने जो डॉक्टर हिमांशु को स्पेयर किया, डॉक्टर हिमांशु जो टाइम निकाल के जा रहे हैं, इससे ये है कि जब तक जानवर रखे जा रहे हैं उनकी सफरिंग थोड़ी कम होगी और लोगों को एक अवेयरनेस मिलेगी कि भाई अगर उनको प्रॉब्लम होती है और सरकारी तंत्र से उन्हें मदद नहीं मिल पाती तो वो यहाँ आ सकते हैं। कुछ और केसेस हैं जिनके बारे में हमने आपको आज तक बताया नहीं, वो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। ये बोल रहे हैं कि आप इसको रख लो जब इनके पास फैसिलिटी होगी, क्योंकि अभी रेंटेड हाउस में रहते हैं, क्योंकि बहुत कनेक्टेड है उस बच्चे से ना, जो अभी तो उनका ये है कि फिर उसको बचाना है तो वो यहीं पर देख के जाएंगे। हाँ, वो तो आप ले सकते हो। बेबी गोट है, बेबी गोट है। आपके पास कहाँ से आई ये? हम लोग एक्चुअली कैंपिंग गया था, शाम को हम लोग लौट रहा था, उस बच्चा ऐसे आया चिल्ला रहा है कि अब जंगल में हम तो छोड़ नहीं सका, फिर पोर बहुत बच्चा था तो हमने सोचा कि अब इसको बचाने के लिए लेके आया। तो उसके बाद ऐसे करके कल फिर मैं उधर गया जंगल में, बहुत ढूंढा उसका परिवार गांव में, पूरा हफ्ते भर में ढूंढा कि कोई नहीं मिला उसका फैमिली। तो उसके बाद फिर हमने एक बच्चे की तरह पाल के अभी 4-5 महीने हो रहे हैं। सो गुड, वो तो अच्छा फैमिली नहीं मिली, मिल भी जाती फैमिली तो फैमिली का है वो तो, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, जब तक कटने लायक नहीं हो जाता तब तक रखते उसके काहे की फैमिली। इसका ये तो ऑफर तो बहुत आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि मेरे को दे दो। ऑफर पाएगा बकरे का, आ जाऊंगा तो बकरा सुअर मुर्गा हर कोई ऑफर करेगा। हम ये कर सकते हैं देखिए कि आप यहाँ पे छोड़ जाइए, पर आप यही सोच के जाइए कि आपने अडॉप्ट अप करा दिया, फिर जब आपके पास ऑप्शन आ जाती है आप एक बारी पूछ लीजिएगा, उस समय जैसी यहाँ पे सिचुएशन है फिर हम उसके अनुसार कहेंगे, पर कोई प्रोमिसेस नहीं है। एक बार आपने यहाँ पे दे दिया तो फिर वो यहीं पे है, है ना, ऐसा है। क्योंकि क्या पता उससे मतलब बहुत लोग अटैच हो जाएं, ये भी है, गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है, आप हमसे 3 महीने बाद कहते हो लाओ वापस, तो हम कहते हैं वो तो बचे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सांप भी है, जैसे कितने बछड़े हैं जिनसे मैं अटैच हो गया उनको फिर सांप काटा वो नहीं बचते, ऐसा भी होता है। अब बेटी जी है हमारे यहाँ गोट है, वो एक दूसरा बकरा आ गया उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है, अब डिलीवरी के दौरान कोई अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई भगवान ना करे, तो इनमें तो ऐसी चीज़ें अनफॉर्चुनेट चीज़ें तो हो सकती हैं। स्पार्क का क्या हाल चाल है? उसका प्लास्टर और एक पैर में पिनिंग की सर्जरी ऑलरेडी मंडी में वो लोग करवा चुके थे, लेकिन मसल टियर होके पिन बाहर आ गई थी, इन्फेक्शन हो चुका था काफ़ी, तब उन्होंने यहाँ शिफ्ट करने की बात की। हमने उसको पालमपुर भेजा था, उन्होंने बोला कि इसकी दोबारा सर्जरी कर सकते हैं, सर्जरी की डेट मिली, हमने भेजा, सर्जरी उन्होंने टेयर करके नहीं की ना, सूचर वगैरह कुछ नहीं हुआ, ऊपर से ही पिन निकाल के वापस से रीसेट करने की कोशिश की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही, तो उन्होंने हमें बोला कि हम इसको थोड़े दिन बाद की सर्जरी की डेट देंगे फिर से, अभी तक मुझे कोई डेट नहीं मिली। जब हमारा अस्पताल खुल जाएगा, हमारा अपना सारा इक्विपमेंट होगा, फिर हम हमें किसी की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी ना। एक्चुअली मैंने इसको शाहपुर भी भेजा था ना, डॉक्टर ने बोला था कि इसको ऐसे ही रहने दो, छेड़खानी करेंगे पिन से तो फिर और दिक्कत होगी, लेकिन उसका कुछ हो ही नहीं रहा ना सर, पिन वैसी की लगी हुई है ऊपर निकली हुई है, और वो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा अगर वो इतना एक्सपोज्ड रहेगा कंटिन्यूस। तो आप पालमपुर में कोई हेड नहीं है किनी से? सर डॉक्टर सिंगला ही उसको चेक कर रहे थे ना, जो मेन सीनियर डॉक्टर है। मैंने बाद भी हम रोज ही कॉल कर रहे हैं सर।
मैं तो इस बारे में कुछ बोल के बुरा बनूंगा नहीं। आजकल घास का क्या सीन है? घास खत्म है, साइलेज हम मंगा रहे हैं। मंगा लिए हैं सर, आ चुकी है साइलेज। साइलेज अगर आपके लिए एक नया शब्द है, मैं बता दूं, साइलेज ऐसा है जैसे घास का अचार। तो भाई जिस सीजन में घास काफ़ी है उसको अचार बना के रख लिया, वो प्रिजर्व हो गया, और अभी जब मौसम बदल रहा है और अभी हमने बाजरा वगैरह लगाया नहीं, तो वो घास का अचार जो है मैं एनिमल्स को हरे घास की बजाय दे सकते हैं। वो डिस्टोर्शिया वाली मदर का कुछ ओरियो ने अपने सूचर्स ओपन कर दिया है ना, तो वो आज उसको हम लोग फिर रीसूचरिंग करें। पर वो क्या ई कॉलर बाइट नॉट कुछ नहीं था? सब लगा हुआ है, मेरे को नहीं पता उसने कैसे खोले है, लेकिन सब में क्या लगा है? दोनों थोड़ा लगे होंगे। पहले हमने बाइट नॉट लगाया था, बाइट नॉट से हमें लग रहा था कि वो उसकी मुंडी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी ब्रीड की डॉग है, तो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो हमने उसको ई कॉलर लगा दिया। लेकिन अभी सुबह आज चेक कराना जब ट्रीटमेंट के दौरान, तो फिर सूचर्स ओपन थे, तो आज उसको फिर रीसूचरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर गुलशन, अब जो धर्मशाला से वापस आए, तो हमने उस तरीके से कोई नई स्टरलाइजेशन करी है? इस स्टरलाइजेशन में दो चीजें हमने सीखी थी, एक तो प्रोपोफोल यूज करेंगे, तो हम लोगों को ज़ाइलाजिन और किटामिन में जो हार्ट की प्रॉब्लम आने का इशू रहता है, जो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, उस चीज से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम प्रोपोफोल यूज करेंगे। जो दूसरा है सूचर्स कैसे छोटे करने हैं, उस पर रिवर्स कटिंग यूज करेंगे, तो उससे सूचरिंग अच्छी होगी। जो सूचर लाइन दिखती थी पहले, वो अभी प्रॉपर अंदर से हो सकती है, उसको ओपन होने का चांस नहीं रहेगा। मुझे इसकी आधी बात समझ में आई, मोटी बात यह है कि जिस तरह हम सर्जरी करेंगे, हमारा जो सर्जरी के बाद जितना टाइम हम डॉग को रखना पड़ता था रिकवरी के लिए, वो टाइम बहुत घट जाएगा, तो यानी कि अब हम ज़्यादा सर्जरीज कर पाएंगे। और यही पद्धति अभी हम जब स्पीति जा रहे हैं अगले महीने के शुरुआत में, वहीं पे इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ पे हम कम से कम जो काजा में सारे कुत्ते हैं उनको स्टरलाइज कर देंगे। बाय द वे, मुझे अभी जाना है कैनल बनाने, इसका मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि वो कैसा बना। डॉग जो म्यूज़िक सुनता था, पार्टिकल हाँ, उसका क्या सीन है? लास्ट टाइम जब उसके जो कॉलर्स थे वो मिलने आए थे उससे, तब हमने उनसे बात की थी कि वुंड काफी अच्छे से हील हो रहा है, इसकी न्यूटर सर्जरी भी हम करवा, ज्वालामुखी से आए थे। हाँ जी, तो उनको बोला था कि आप इसको अपने पास रख लेना, लास्ट के स्टेज में जो 1.5-2 हफ्ते का टाइम पीरियड है हीलिंग का, उसमें आप रख लो, तो उसके लिए भी अच्छा होगा, स्ट्रेस फ्री एरिया में रहेगा, तो हीलिंग और अच्छी हो जाएगी, और हमें भी दूसरे केसेस के लिए जगह मिल जाएगी। तो उन्होंने हाँ बोला, उन्होंने कॉन्टैक्ट भी खुद से ही किया, और अभी वो आज इसको लेने आ रहे हैं। सही, तो हम आपको इनसे मिलवाएंगे भी जरूर। एक सवेरा का मुझे पता लगा। मैं आपको कह रहा था ना कि कुछ केसेस हैं जो हमने आपको बताए नहीं, वो हमारे ट्रीट ऑन स्ट्रीट केसेस हैं, जिनको हम यहाँ नहीं ला पाते, लेकिन उनका कोई सड़क पे केयर टेकर है तो वहाँ जाके हम उनका इलाज करते हैं। भाई साहब, हम अपडेट शूट करें उससे पहले मुझे ये बता दो कि ये जो इससे रगड़ रहे हैं एनिमल्स अपने आपको, बस बेटी कभी-कभी। राजेश्री जी कह रही थी कि ये दो पार्ट्स में है, ये लग एक रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसका एक पार्ट पीछे मूव करके देख लेते हैं और वहाँ देख लेते हैं कि क्या करना है, तो इसको थोड़ा हाइट पर लगा देंगे। ठीक है, ओके। यार वो जो तारकोल वाला पपी है, उसका भी हमने वीडियो बनाया ना, उसके पूरे शरीर से वो जो तार था हर एक पोर्शन से निकल चुका है, अभी वो बहुत सुंदर भी दिख रही है और पूरी तरीके से ठीक है, हेल्थ वाइज भी कोई इशू नहीं है अभी उसको। ठीक है, तो अडॉप्शन के लिए सलोनी है उसको, वैक्सीनेशन भी हो गई है। मुझे एक पूछना था, क्योंकि हमारे यहाँ एक रेबीज केस तो वो आया जब रात को मैं आया था, वो भौंक रहा था, मैंने उसको निकाला, उसने काटने की कोशिश की, अगले दिन उसने काटा यहाँ पे ना किसी को, अम्मा ने, और देव का प्री एक्सपोजर नहीं लगा हुआ था क्योंकि देव यूजुअली काउज वगैरह के साथ काम कर रहे थे, तो उस चीज में हमने ध्यान नहीं दिया। पर बाइट डीप थी या ऊपर की थी? डीप थी थोड़ी, मसल तक थी क्या? ब्लड आया था। ओके, स्किन ब्रेक हुई थी, मसल तक नहीं। ओके, तो ये अच्छा हुआ कि जो देव को बाइट हुई वो डीप नहीं थी। जब हम एनिमल्स के साथ काम करते हैं तो हमें प्री एक्सपोजर यानी कि 3 रेबीज़ के शॉट लगे होने चाहिए। उसमें क्या है कि अगर हमें कोई कुत्ता काट जाता है तो उस समय हमारा 5 टीके लगवाने से काम चल जाएगा, हमें सीरम नहीं लगवाना पड़ेगा। अगर यही देव की बाइट डीप होती तो इस समय उनको सीरम चढ़वाना पड़ता। एक और जो रेबीज केस डार गया था, उसका क्या हुआ? वो मतलब पता कैसे चला कि वो रैबिट है? सर्जरी के दौरान सबको एंटी रेबीज के शॉट लगाए जा रहे थे, उसकी सर्जरी हुई, एंटी रेबीज का शॉट लगा, उसके बाद उसमें सिम्टम्स आने शुरू हो गए, तो उसको आइसोलेशन में रख। कॉमन है क्या कि एंटी रेबीज की वैक्सीन लगने के बाद सिम्टम्स? पॉसिबल है ना सर, तो वो अंदर जाके तो रिएक्ट करेगा ही, तो वो एकदम से सिम्टम्स आने लगे और उसके बाद 3-4 दिन आइसोलेशन में रहा, एंड जब सारे सिम्टम्स मैच करें तो उसको पुट डाउन किया, बाद में उसका टेस्ट भी किया टेस्ट किट से कि ये रेबीज था कि नहीं, तो उसमें भी पॉजिटिव ही आया। रेबीज का
अच्छा डेथ के बाद ही टेस्ट कर रहे हैं। होता है सर ये, लेकिन रेबीज का पहले तो सिर्फ सिम्टम्स देख के ही हम बता सकते हैं कि भाई रेबीज है या नहीं है। वो भी जो अनुभवी वेट होते हैं वो भी बता सकते हैं कि भाई अनप्रोवोक्ड बाइटिंग हो रही है, डॉग का बहुत ज़्यादा सलाइवा आ रहा है या चलने में वो बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहा है, क्योंकि रेबीज नर्वस जो कंट्रोल है उसको इम्पैक्ट करता है। और अनफॉर्चुनेटली रेबीज़ का जो एक जो प्रिवेंशन है वो यही है कि एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगी, और रेबीज़ होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है बल्कि डॉग को यूथनाइज करना पड़ता है ताकि वो एक दर्दनाक मौत से बच जाए। मैंने देखा है कि लोग अक्सर अपने एरियाज़ में पत्थर मार के या गोली मार के रेबीज़ वाले कुत्तों को बैल को मार देते हैं, ये सही तरीका नहीं है। आपने वेटनरी डिपार्टमेंट से संपर्क करिए ताकि वो उनको एक डिसेंट डेथ दे सकें। इस समय हम ठिचू भैया की शॉप पर आए हुए हैं। हमने स्पिति के प्रोजेक्ट के लिए कुछ कैनल्स डिज़ाइन किए हैं, यहाँ पे पहला सैंपल बनेगा। हम देखेंगे अगर वो ठीक से काम कर रहा है तो वैसे ही एक सैंपल हम स्पिति में बनाएंगे जो हमारी वॉलंटियर अंजलि चेक करेंगी। अगर वो भी सैंपल परफेक्ट बन गया तो वहाँ पे हम कुल 24 कैनल्स बनवाएंगे। सर्जरीज अगले महीने के पहले हफ्ते से शुरू हैं। एक चीज़ रह गई है, वो है सहारा की सर्जरी का क्या सीन है? 24 की उसको डेट मिली है तो इस बार उसकी तीसरी बार सर्जरी होगी। इसके बाद उसका जो हर्निया है होपफुली एकदम ठीक हो जाएगा। हर्निया तो सॉल्व हो जाएगा उसका इशू, लेकिन ये दोबारा रिपीट हो सकता है इसलिए वो यहीं रहेगी हमेशा के लिए, क्योंकि अगर हम उसको बाहर छोड़ेंगे और अगर फिर उसको टक्कर लगी तो जो सूचरिंग है या अंदर की जो लेयर बनेगी वो फिर से फट सकती है ना। तो हम उसका वो नहीं करा सकते स्पे कि भाई वहाँ पे वो लोग ऐसा कर दें कि उसके बच्चे ना हो आगे से? सर पहले तो अभी हर्निया की सर्जरी होगी, उसके बाद मैं ज़रूर बात कर लूँगी कि वो उसका स्पे भी कर दें। पर आमतौर पे वो लोग नहीं करते। नहीं करते है ना, आपको भी पता है यहाँ पे काउस का नहीं होता स्पे सर्जरी। नहीं, कई चीज़ें मुझे पता होती हैं, मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे पूछता हूँ। हर हफ्ते हम क्या करते हैं इसका ब्यौरा तो हम आपको देते ही हैं, पर पिछले साल हमारे पास कितना पैसा आया, हमने उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया और आने वाले सालों में हम क्या करने जा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम लोकेट रॉबिन पर।